Hi guys, hope you're doing great today. So guys, I'm back with another video. और आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि आने वाला है करवा चौथ और उसी के लिए मैंने एक सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ मैंने सोचा मैं शेयर करूँ. दिस इज वेरी सिंपल, एनी बिगनर कैन ट्राई दिस एट होम और बहुत ईजी है, जल्दी हो जाता है. तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो गाइज, सबसे पहले मैं क्या किया था, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया था और ये है प्राइमर. मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर. प्राइमर से आपके जितने भी पोर्स होते हैं स्पेस के ऊपर वो सारे छिप जाते हैं और आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा इवन लगता है. इसको आपको अच्छे से लगा लेना है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे मूज का फाउंडेशन. मेरा शेड है आइवरी, आप अपने शेड के साथ यूज कर सकते हैं. फाउंडेशन ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है विच आई एवर कम अक्रॉस. बहुत अच्छे से आपके चेहरे को कवर कर लेता है, जो भी छोटे मोटे दाग वगैरह हो उसको भी कवर कर लेता है. और तो एक पिंपल्स का दाग है मेरे फेस पे अभी, तो मैं उसके लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. थोड़े से डार्क सर्कल भी है मेरे अंडर आइज पे, उसके लिए भी मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ करूँगी. और मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कंसीलर फॉर द डार्क सर्कल और नॉर्मल कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ बाकी जगहों पे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक पिगमेंटेशन है, तो उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. और अब मैं लगाऊंगी ऑरेंज कंसीलर फॉर द डार्क सर्कल, उससे आपके वो जो डार्क सर्कल है वो दिखाई नहीं देता है. और उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अलग अलग कलर्स के कंसीलर्स आते हैं, आप जो भी हो कंसीलर वाला मेरा चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने बताया है अलग अलग से कंसीलर्स के लिए. उसके बाद मैं थोड़ी सी कंट्रोलिंग करूंगी फेस को, क्योंकि मेरा फेस राउंड है तो थोड़ी सी मुझे कंट्रोलिंग करनी पड़ती है ताकि फेस प्रॉपर दिखे. और मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, जिनके भी चबी फेस हैं आप इस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं जिससे आपका फेस थोड़ा पतला दिखेगा. और इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले ताकि वो प्रॉपर लाइन विजिबल ना हो. मैंने यहाँ पे इनसाइड का कंट्रोल स्टिक यूज़ किया है, वो मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी कन्वीनियंट भी है यूज़ करने को. और थोड़ा वक्त दे करके मैं इसे अच्छे से कंट्रोलिंग करूंगी ताकि फेस थोड़ा स्लिम दिखे. इसके बाद मैंने फेस पाउडर यूज़ किया है. मैंने जो फेस पाउडर यूज़ किया दैट इज मेबेलिन फिट मी का, एंड द शेड विच आई यूज इज नेचुरल आइवरी, दिस इज 112. ये आपके फेस पे जो भी आपने मेकअप लगाया है उसको प्रॉपरली इवन बना देता है और आपकी फेस सिंगल कलर की दिखने लगती है. तो जो भी आप मेकअप करें वो आप मेक श्योर दैट यू डू इट टिल योर नेक, ताकि आपका फेस और नेक एक ही कलर का लगे. आप इसमें इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने मैट फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो इसलिए मैं मैट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ. इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं अपने आईज पे लगाऊंगी आई शेडो. मैंने पिंक कलर का आई शेडो लगाया है यहाँ पे, और ये पिंक का ही दो शेड में लगाऊंगी. वेरी माइन्यूट डिफरेंस है दोनों शेड्स में, तो मैं थोड़ा सा डेप्थ दे करके ये पिंक कलर का आई शेडो लगाने वाली हूँ, अभी आप देखेंगे. और इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी जिससे कि वो अलग अलग ना दिखे. और ब्राउ बोन पे मैंने लाइट व्हाइट कलर का आई शेडो लगाया है ताकि वो थोड़ी सी हाईलाइटेड रहे. गाइस, मैं कोई बहुत प्रो नहीं हूँ मेकअप में, बट देन इट इज अ बिगनर्स मेकअप, तो कोई भी बिगनर है वो यूज कर सकते हैं. अब मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा शेप कर दूंगी विद दी आईब्रो किट विच आई एम यूजिंग. ये है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट, इसका रिव्यू मैंने चैनल पे किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं. दिस इज बाय फार द मोस्ट यूजफुल थिंग विच आई फाउंड, बहुत ही अच्छा किट है. और इसके साथ ब्रश प्रोवाइड किया गया है. ब्राउ पेंसिल पे थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल सा टच आ जाता है, मगर अगर आप ब्राउ पाउडर लगाते हैं तो वो बहुत इवनली आपके आईब्रोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है और बहुत अच्छे से शेप भी देता है. इसके बाद मैं थोड़ा सा रूज लगाने वाली हूँ, ब्लश ऑन जिसे आप कहते हैं. ये मैं बहुत लाइट लगाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंकिश लगने लगता है फिर फेस. यहाँ पर मैं लाइट ही यूज़ करूँगी. और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ आई लाइनर जैसा मैं नॉर्मली यूज़ कर लगाती हूँ वैसे ही लगाने वाली हूँ. पहले मैंने सोचा था एक्चुअली मैं विंग लगाऊं, बट फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं नॉर्मली लगा रही हूँ. आप अपनी पसंद के हिसाब से लाइनर लगा सकते हैं. और पेंसिल वाला जो लाइनर होता है ये मुझे थोड़ा इजी लगता है लगाना, ये स्केच की तरह रहता है और आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं. हालांकि मैं नॉर्मली लिक्विड वाला भी यूज़ करती हूँ तो दोनों के साथ मेरा चल जाता है. इसके बाद मैं काजल लगाऊंगी, और काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एल ई एटीन का काजल. ये मुझे अच्छा लगा है, उसे थोड़ा सा मैं नीचे ब्लेंड करूँगी ताकि वो थोड़ा स्मोकी लुक आ जाएगा मेरे लोअर लैश लाइन पे. तो यहाँ पहले मैं थोड़ा डार्कर शेड लगाऊंगी, उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो स्लाइट स्मोकी लुक आ जाए. मैं ज़्यादा उसे फैलाने वाली नहीं हूँ, हल्का सा मैं उसको ब्लेंड करूँगी. अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर, ये है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर. ये मेरा फेवरेट पार्ट है, हाईलाइटर इज माई फर्स्ट लव और मैं ये ज़रूर लगाती हूँ हर मेकअप में. उससे स्किन पर नेचुरल शाइन आ जाता है आपके चीक बोन्स पे और आपके नोज पे,
बहुत अच्छा सा एक नेचुरल शाइन आ जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर लगाना। इसके बाद मैंने लगा रही हूँ लिपस्टिक। सो गाइस, यहाँ जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना, दिस इज वेरी बेसिक मेकअप। आप चाहे तो इसको और ज़्यादा एक्सेंचुएट कर सकते हैं एज पर योर विश, बट मैं बहुत ही बेसिक मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ, मैंने कोई मेकअप सीखा नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ कि कोई भी बिगनर इस वीडियो को देख करके मेकअप कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट, और जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड ईजी टू यू नो अप्लाई। इसके बाद मैं बिंदी लगाऊंगी, बिकॉज कोई भी मेकअप करवा चौथ या तीज का हो बिना बिंदी के वो फुल नहीं होता, तो मैं बड़ी सी बिंदी मैंने लगाई है। और ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ जो भी मैंने ज्वेलरी पहन रखी है सारी जावेरी पर्ल्स की है, और इनका मैंने ऑलरेडी हॉल वीडियो बना रखा है चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो जावेरी पर्ल्स के आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी सारे वहाँ पे ज्वेलरी के जितने भी मैंने परचेस किए हैं जावेरी पर्ल्स के, बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास और वो सारे का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज्वेलरी का एक अलग से हॉल बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और ये है मेरा फाइनल लुक, दिस इज अ वेरी बेसिक सिंपल मेकअप लुक फॉर करवा चौथ। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सभी का ऑलरेडी मैं हॉल वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है, रिव्यू वीडियो भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ या किसी और वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज और भी शेयर करूँ तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियोज भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।